आइए आज हम गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल आसानी से बनने वाला स्वादिष्ट, पौष्टिक और हेल्दी डिजर्ट बनाते हैं। वेलकम टू किचन विद प्रजय, गुड फूड बेटर हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी अगली रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हम एक पैन ले लेते हैं और इस पैन में हम लगभग आधा लीटर दूध डाल लेते हैं। ये हमने आधा लीटर दूध इस पैन में हमने डाल दिया है। उसके बाद हम इस दूध को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में गर्म करने के लिए हम इसमें छोड़ देते हैं इसे, जिससे कि दूध हल्का गर्म हो जाएगा। अब दूध के हल्के उबाल आते तक हम फ्रूट कस्टर्ड के लिए उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक छोटे बाउल में 1 कप दूध ले लेते हैं और ये जो दूध हमने लिया है उसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल लिया है। अब फ्रूट कस्टर्ड पाउडर हमने इसमें ले लिया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लगातार चम्मच चलाकर उसे मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए इसमें हमने गर्म दूध इसी नहीं लिया था कि ये इसमें लम्स पड़ सकते हैं, ठंडे दूध में लम्स पड़ने का कोई चांस नहीं होता है। इस तरह से हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और जो दूध हमने यहाँ पर लिया है वो गर्म दूध नहीं लेंगे। गर्म दूध लेने से उसमें लम्स आ सकते हैं और हमने कस्टर्ड पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमने इसमें पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, उसका कलर चेंज हो गया है दूध का। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ही दूध लिया है। वैसे तो कस्टर्ड पाउडर जो है मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल होता है, जैसे कि बटर स्कॉच, केसर पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, लेकिन हमने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर लिया है। तो हमने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर से ही हम यहाँ पर फ्रूट कस्टर्ड रेडी करेंगे। अब देखिए जो हमने दूध को उबाल आने के लिए छोड़ा था, उबाल आ चुका है। तो इसमें हम अब लगभग 80 से 100 ग्राम हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करिए। टेस्ट करके एक बार देख लीजिए उसे और अपने स्वाद अनुसार ही चीनी टेस्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किन्हे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है तो नॉर्मल मीठा भी रख सकते हैं इसे। इसके बाद चीनी को हम अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर उसे पूरी तरह से उसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाकर इसे चीनी जो हमने इसमें ऐड किया है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम जो फ्लेम था, जो हमारा लो फ्लेम था, उसे लो से मीडियम कर लेते हैं। लो से मीडियम करने से दूध अच्छी तरह से उसमें उबाल आएगा और अच्छी तरह से दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा। अब दूध में शक्कर जो है, हमने जो चीनी लिया था वो पूरी तरह से ऐड हो चुका है, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड जो छोटे से कटोरी में हमने रेडी किया था उसे हम धीरे धीरे से इसमें डालेंगे और चम्मच लगातार चलाते रहेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि कस्टर्ड पाउडर धीरे धीरे ही लें, एक साथ सारे कस्टर्ड चुका जो सॉल्यूशन है उसे ना डालें, नहीं तो उससे क्या है लम्स पड़ सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे ही कस्टर्ड सॉल्यूशन को डालते जाना है और लगातार चम्मच चलाते जाना है कि जिससे कि हमारा लम्स बिल्कुल भी ना पड़े, जिससे कि आपका फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें आप। इसके बाद हम फ्रूट कस्टर्ड के लिए फ्रूट ले लेते हैं। तो फ्रूट हमें जो मार्केट में अभी इस समय मिल पाया है वो हमने ले लिया है। तो उसके लिए हमने अनार लिया है, केला लिया है, अंगूर ले लिया है, आम ले लिया है और सेब ले लिया है। तो इस तरह से आपको जो भी मन करे, जो भी फ्रूट आप डालना चाहें वो आप अपने मन से अपने चॉइस के अनुसार इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पानी वाला फ्रूट इसमें नहीं लेना है, जैसे कि तरबूज। अब पानी वाला फ्रूट इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर हम पानी वाला फ्रूट इसमें लेते हैं तो उससे हमारा जो कस्टर्ड है वो पतला बनकर रेडी होता है। तो हमें कस्टर्ड को ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा मोटा बनाना है। और ये देखिए वो सॉल्यूशन को हमने पूरी तरह से इस मिल्क में ऐड कर लिया है और हमारा कस्टर्ड जो है पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया है। हमने इसे इसमें जो है लम्स का बिल्कुल ध्यान रखा है, इसे कंटिन्यू चम्मच चलाकर इसे हमने बनाया है। तो एकदम गाढ़ा सॉल्यूशन हमारा रेडी हुआ है, देखिए आप इस तरह से। इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं। तो आप भी लगातार चम्मच चलाएं तो इससे जो है लम्स नहीं आएगा। अब जो हमने फ्रूट्स लिया है उसे एक एक करके इस बाउल में हम डाल लेते हैं। ये इस तरह से हमने आम, सेब और केला और अनार, जो भी हमने फ्रूट्स लिया है उसे हम एक एक करके इस बाउल में मिक्स कर लेते हैं। ये हमने बाउल में इस तरह से पूरी तरह से डाल लिया है।
मेरी एक राय है कि आप अनार इसमें ज़रूर लें, क्योंकि अनार इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, इसलिए अनार को ना छोड़ें फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए। इस तरह देखिए, हमने सारे फ्रूट्स को इसमें ऐड कर लिया है, सारे फ्रूट्स हमने बाउल में डाल दिया है। ये देखिए, अब एक चम्मच का हेल्प लेके हम सारे फ्रूट्स को इस कस्टर्ड में चम्मच से धीरे धीरे इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये इस तरह से चम्मच हम चलाकर कंटिन्यू उसमें हमने पूरी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए लगभग अभी हमको ऐसा लग रहा है कि फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो चुका है। ये इस तरह से हमने पूरी तरह से मिक्स कर लिया है, सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर लिया है और इसमें हमने चम्मच चलाकर पूरी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 घंटा के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। और ये हमने फ्रूट कस्टर्ड को 2 से 3 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए, पूरी तरह से ये जो फ्रूट कस्टर्ड है पूरी तरह से सेटल डाउन हो चुका है। ये देखिए, सारा फ्रूट जो है पूरी तरह से सेटल हो चुका है उसमें, और एक बहुत बढ़िया गाढ़ा हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हुआ है। अब इस फ्रूट कस्टर्ड को हम एक बाउल में ले लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने इसमें बाउल में ले लिया है, जिसे हम सर्व करेंगे। फ्रूट कस्टर्ड जो है गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही लाजवाब माना जाता है, बहुत ही अच्छा डिज़र्ट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। इसके बाद अगर आप इसमें गार्निशिंग करना चाहें तो आपके पास जो बचा हुआ अनार का दाना है उसे आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये बचे हुए अनार का दाना, और हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत टूटी फ्रूटी अवेलेबल था तो हम उसे भी मिक्स कर रहे हैं इसमें, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हों तो उसे आप उसमें सजाने के लिए, ऐसा डेकोरेट करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने टूटी फ्रूटी अनार के दाने जो हमारे पास बचे थे वो, और ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें पूरी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा शो कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है हमारे जो फ्रूट कस्टर्ड जो हमने बनाया है। फ्रूट कस्टर्ड एक ऐसा डिज़र्ट है जिसे देखने के बाद उसे खाने का मन बिल्कुल करता ही है। तो क्यों ना आप भी हमारे द्वारा बताए गए ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा सा फ्रूट कस्टर्ड बनाएं। फ्रूट कस्टर्ड बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में इस गर्मी के मौसम में फ्रूट कस्टर्ड बनाइए, और हमें अपने सजेशंस और अपने एक्सपीरियंस और अपने सारे सलाह हमें इस कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, जिससे हम और भी अच्छा डिज़र्ट और भी अच्छा डिशेस आपके लिए लेकर आएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका सलाह हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर आपको हमारे फ्रूट कस्टर्ड बनाने की इजी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और लाइक करना ना भूलें।